लीव इट. सो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो जी है हमारे पास बायोमैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन स्पाइन. बायोमैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन स्पाइन के इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें हमने पढ़नी है उसके चार मेन पॉइंट्स ये हैं. हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन स्पाइन एंड द सेकेंड मसल्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं और कौन कौन सी मूवमेंट्स हो रही हैं हमारे पास ह्यूमन स्पाइन में. यानी कि ह्यूमन स्पाइन पे जो मूवमेंट्स हो रही हैं कौन कौन से मसल्स उसके साथ इन्वॉल्व हैं, हम मूवमेंट्स को भी देखेंगे और मसल्स को भी देखेंगे. और फिर थर्ड पे हम जो चीज़ देखेंगे वो होगी लोड्स कौन कौन से आ रहे हैं ह्यूमन स्पाइन के ऊपर. और एट द एंड हम देख लेंगे जी कॉमन इंजरीज ऑफ द ह्यूमन स्पाइन. तो फर्दर जो हमारी वीडियोज़ होंगी वो इन्हीं चीज़ों के बारे में. आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहला चीज़ जो कि है जी स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन स्पाइन. अब जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन स्पाइन का इसके अंदर फर्दर हमारे पास पांच चीज़ें आ जाती हैं. हमने देखना है जो वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है. अब वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमारे पास वर्टिब्राज होते हैं, हमारे पास लिगामेंट्स होते हैं, कुछ हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं. तो हम उनको भी बारी बारी देखेंगे. हम देखेंगे वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर, हम देखेंगे इंटरवर्टिब्रल डिस्क का स्ट्रक्चर, हम देखेंगे जो लिगामेंट्स कौन कौन से हैं, हमारे स्पाइनल कर्व्स कौन कौन से हैं, जो कि मैं थोड़ा सा आइडिया आपको वर्टिब्रल कॉलम के अंदर भी इस चीज़ का दे दूँगी. तो ये सारी चीज़ें जो है फर्दर अपनी एक एक वीडियो के अंदर डिस्कस करते जाएंगे. तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं जो वर्टिब्रल कॉलम के बारे में. अब वर्टिब्रल कॉलम यानी कि जो हमारी ह्यूमन स्पाइन है वो क्या होता है. अब जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारी ह्यूमन स्पाइन है ये हमारी बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे ज़्यादा फंक्शनली इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है. क्यों? क्योंकि इसने प्रोटेक्ट किया होती है हमारी नर्वस सिस्टम को, जो कि बहुत डेलिकेट पार्ट होता है हमारे नर्वस सिस्टम का, विच इज़ अ स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड इसकी कैनाल में से गुजर रही होती है, उसको हमारी स्पाइन ने या हमारे वर्टिब्रल कॉलम ने क्या किया होता है, प्रोटेक्ट किया होता है. उस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है. अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास 33 वर्टिब्रास, कितने नंबर ऑफ वर्टिब्रा, 33 वर्टिब्रा का एक स्टैक होता है. वट इज़ स्टैक, स्टैक का मतलब होता है कि एक नीटली अरेंज. अब जैसे अगर आप ये देखें ना तो एक वर्टिब्रा दूसरा वर्टिब्रा तीसरा, ये एक दूसरे के ऊपर एक इन्होंने एक स्टैक बनाया हुआ है, ठीक है, एक नीटली अरेंज हुआ हुआ है इस तरह से एक लाइन के अंदर. तो उसको हम क्या कहते हैं जी, हमारा वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, जो हमारी स्पाइन होती है जिसके अंदर हमारे क्या होते हैं 33 वर्टिब्राज होते हैं. अगर हम अपनी स्पाइन को पोस्टीरियर साइड से देखें, ठीक है, एक बंदा खड़ा हुआ है उनको बैक से देख रहे हैं तो हमारी स्पाइन बिल्कुल सीधी नजर आएगी. लेकिन अगर हम लेटरल साइड से उसका व्यू करें ना लेटरली, तो हमें ना कुछ कर्व्स नजर आते हैं उसके अंदर, कुछ रीजन्स हैं, कुछ सेगमेंट्स हैं जिसमें हमने डिवाइड किया होता है हमारी स्पाइन को, वो आते हैं. अब जो नंबर ऑफ रीजन्स हैं जिसमें हमारी स्पाइन डिवाइड हुई होती है, तो वो हमारे पास होते हैं जी पांच रीजन्स. तो हमारा सबसे पहला रीजन होता है ना, इट इज़ कॉल्ड सर्वाइकल. इसके अंदर नंबर ऑफ वर्टिब्रा कितने होते हैं, 7. फिर सेकेंड जो हमारा रीजन होता है ना, वो होता है जी हमारा थोरेसिक रीजन. इसके अंदर हमारे पास 12 नंबर ऑफ वर्टिब्राज होते हैं. फिर हमारे पास आ जाता है, सॉरी इधर तक, ठीक है. फिर ये हमारा जो सेगमेंट आता है ना, इट इज ए लंबर सेगमेंट. और लंबर के पास हमारे पास होते हैं 5 वर्टिब्रा. फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है सैक्रल और कॉक्सिक. अब ये जो सैक्रल और कॉक्सिक होते हैं ना, इसके अंदर होते हैं 5 और इसके अंदर होते हैं 4. लेकिन जैसे कि ये एक एक इंडिविजुअल वर्टिब्रा होता है ना, इसके अंदर ये चीज़ नहीं होती. इसमें जितने वर्टिब्राज होते हैं ना वो आपस में फ्यूज फॉर्म में होते हैं, ठीक है. इसके 5 फ्यूज होते हैं, कॉक्सिक के हमारे पास 4 होते हैं. और ये वेरी भी करता है, कॉक्सिक वाला होता है ना ये कुछ इसमें चेंजेस आते हैं, किसी के अंदर 5 लिखा होता है, किसी के अंदर 4. लेकिन जो होता है ना मेनली जो होते हैं ना, हमारे पास 33 वर्टिब्राज होते हैं, ठीक है. अगर हम इसको करें ना सम, तो हमारे पास 33 वर्टिब्राज जो होते हैं ना कंप्लीट हो जाते हैं. तो हमने देख लिया कि कितने नंबर ऑफ वर्टिब्राज होते हैं, 33. रीजन्स कितने होते हैं, 5 रीजन्स होते हैं. सर्वाइकल रीजन होता है, थोरेसिक होता है, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिक. और हर रीजन के अंदर कितने कितने नंबर ऑफ वर्टिब्राज आते हैं, 7 वर्टिब्रा आते हैं. हमने देख लिया कि अगर हम पोस्टीरियर साइड से देख रहे हैं तो हमें किस तरह का व्यू आएगा, और अगर हम लेटरल साइड से देख रहे हैं तो हमें किस तरह वर्टिब्रल कॉलम का हमारे पास जो है ना वो आएगा. अब एक बात लिखी है मोशन सेगमेंट. अब व्हाट इज मोशन सेगमेंट. अब अगर ना मैं एक वर्टिब्रा को पकड़ लूं, यानी कि किसी भी पूरी स्पाइन में से कोई भी एक सेगमेंट पकड़ लूं, दो वर्टिब्रास को ले लेती हूं. फॉर एग्जांपल मैंने ये दो वर्टिब्रास को पकड़ लिया, एक वर्टिब्रा ऊपर एक वर्टिब्रा नीचे. अब जब वर्टिब्रा आपस में कनेक्ट हुए होते हैं, उनके दरमियान में एक जॉइंट होता है विच इज़ कॉल्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क जॉइंट. यानी कि इनके दरमियान में क्या पड़ी हुई है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क पड़ी हुई होती है. एक वर्टिब्रा दूसरा वर्टिब्रा दरमियान में इंटरवर्टिब्रल डिस्क. अब ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रही होती है. वो इसका प्ले क्या होता है कि ये मोबिलिटी के अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है. ये स्पाइन के अंदर मोबिलिटी को अलाउ कर रही होती है, यानी वर्टिब्रा को अलाउ कर रहा है कि वो मूव करे. क्यों? क्योंकि ये सर्फेस इनका दरमियान में गैप बढ़ा रही है, एरिया ज़्यादा दे रही है ना कि वो इजिली मूव करे.
मूवमेंट के साथ साथ ये मूवमेंट को कंट्रोल भी कर रही होती है, यानी एक्स्ट्रा मूवमेंट जो रही है या कोई ज़्यादा मूवमेंट हो रही है उसको लिमिट भी कर रही होती है, ठीक है। तो हमारी स्पाइन की मूवमेंट को लिमिट भी कर रही होती है, स्पाइन पे मूवमेंट को अलाउ भी कर रही होती है। तो अब ये वर्टिब्रा और दरमियान में एक वर्टिब्रल डिस्क, यहाँ पे क्या हो रही है, मोबिलिटी आ रही है, मोशन आ रही है, इसी वजह से इसको मोशन सेगमेंट कहते हैं। अब सिर्फ यही नहीं बल्कि इस एक सेगमेंट के अंदर जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ होंगे, जितनी भी नर्व्स होंगी, ब्लड वेसल, नर्व, लिगामेंट, मस, जितना भी इसके इर्द गिर्द का स्ट्रक्चर होता है ना, वो सारा एक मिल के ना एक मोशन सेगमेंट बनता है, ठीक है। अब जैसे कि ये एक मोशन सेगमेंट है, ये दूसरा मोशन सेगमेंट है, ये इसको आप कह लो, यानी दो एडजेसेंट वर्टिब्रा दरमियान में इंटरवर्टिब्रल डिस्क और जितने भी इर्द गिर्द पड़े हुए सॉफ्ट टिश्यू, नर्व्स, ब्लड वेसल्स हैं, वो मिलकर क्या बनाती है, एक मोशन सेगमेंट। अब ये मोशन सेगमेंट को हम स्पाइन का फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या होगा, यानी कि एक यूनिट होगा तो ही वहाँ पे मोबिलिटी आएगी। तो इसलिए हमने क्या कह दिया, इसको एक फंक्शनल यूनिट कह दिया कि यानी कि डिफरेंट यूनिट्स मिलते जाएंगे और हमारे पास इस तरह से पूरी वर्टिब्रल कॉलम जो होती है ना वो बन जाती है। एंड कहते हैं जी वेरिंग मूवमेंट, इसका मतलब ये है कि हमारे पास डिफरेंट रीजन्स है ना, डिफरेंट रीजन्स के अंदर एनाटमी थोड़ी चेंज होती जाती है वर्टिब्रास की। अगर फर्दर हम जब वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर देखेंगे ना इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे फेसेट जॉइंट की ओरिएंटेशन वगैरह को, तो उससे भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो मोबिल जो मूवमेंट्स होती है ना वो भी चेंज करती जाती हैं रीजन वाइज, ठीक है। बस इसके अंदर आपने सिर्फ इतनी सी 3 से 4 पॉइंट्स अपने दिमाग में रख लेने हैं कि वर्टिब्रल कॉलम होता क्या है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ वर्टिब्राज होते हैं, कितने रीजन्स हैं, हर रीजन में कितने वर्टिब्रा आते हैं, और मोशन सेगमेंट या हाँ या हमारे पास मोबाइल सेगमेंट भी कहते हैं इसको, मोशन सेगमेंट को मोबाइल सेगमेंट भी बोलते हैं। तो मोशन सेगमेंट या मोबाइल सेगमेंट क्या होता है, तो ये तो थी हमारा वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे जी वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर।